प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपके जीवन में खुशियां दें। शिव आपके जीवन के समस्त दुखों को दूर करें। इसीलिए श्रावण के मास में एक खास प्रकार की भगवान शिव की पूजा की जाती है। यदि आप अपने शत्रुओं से घिर गए हैं, शत्रु बाधा से आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का माहौल किसी भी प्रकार से बाधित हो रहा है, क्योंकि जब शत्रु की स्थिति मतलब कुंडली में खष्टम भाव प्रभावित होता है ना, तो शत्रु के कारण व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। शत्रु हावी होता है तो निश्चित रूप से जीवन के तमाम दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि शत्रु की टेढ़ी नजर हो जाए ना, तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक दिक्कत, सामाजिक दिक्कत, हर प्रकार से व्यक्ति घिर जाता है, अपने साथ छोड़ने लगते हैं। क्योंकि खष्टम भाव में यदि आपका खष्टम भाव कमजोर होता है तो शत्रु उठ जाता है, प्रभावी हो जाता है। शिव महापुराण में आया है कि यदि आप शत्रुओं से परेशान हो गए हैं, शत्रु बाधा आपको तंग कर रही है, आपका विकास नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में बहुत सारे दुख शत्रुओं के कारण हो गए हैं, तो श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करें जिससे कि आपका शत्रु आपसे दूरी बना ले। तो करना क्या है? भगवान शिव की आराधना सोमवार और शनिवार जितने भी महा इसमें श्रावण के महीने में आए जरूर करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। पूजा पाठ का एक तरह से जैसे तरीका है वह तरीका आप जरूर अपनाएं। जैसे आप अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो अर्पण करें, लेकिन यह पूजा रात्रि में होगी। रात्रि में 8 बजे के बाद से लेकर के मध्य रात्रि तक आप संपन्न करें। संकल्प सबसे पहले लें और भगवान शिव से निवेदन करें कि प्रभु आप शत्रुओं के संहारक हैं, त्रिपुरासुर आदि दैत्यों को मार के त्रिपुरारी बने हैं, हमारे जीवन में शत्रुओं की बाधा निश्चित रूप से जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। पूरी पूजा आप संपन्न करें, इसके बाद आप सरसों का तेल और काला तिल लेकर के हो सके तो भगवान शिव की रुद्रा अष्टाध्यायी मतलब शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से भगवान शिव का तेल से अभिषेक कराएं, उसके बाद काले तिल से भगवान शिव का श्रृंगार करें। अपने शत्रु का या आपसे जो विरोध कर बैठा है, विरोध में वह आपको परास्त करना चाहता है, उसका नाम लेते हुए भगवान शिव से निवेदन करें कि प्रभु आप हमारे जीवन में जो शत्रु बाधा है इसे आप दूर करने का प्रयास करें। ऐसा आप स्मरण करके भगवान शिव को प्रणाम करें। भगवान शिव की आरती जरूर करें। आरती के बाद जो भी प्रसाद है उसका भोग लगाएं, भोग लगा करके सबको वितरित करें और ओम नमः शिवाय का पाठ पूरे सावन करते रहें। देखिएगा शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, शत्रु आपसे दूर होगा, क्योंकि जब व्यक्ति शक्तिमान बनता है तो शक्ति
उसके शत्रुओं की छीर्ण होती है और शक्तिमान बनाते हैं भगवान शिव। आशा है यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। यदि आप नहीं परेशान हैं तो जो लोग परेशान हैं, दुख के आंसू रो रहे हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, एक रास्ता आपकी एक उंगली दिखा सकती है, केवल शेयर ही तो मात्र करना है ना, वो आप कर सकते हैं। पूरा कार्यक्रम देखे हैं तो ओम नमः शिवाय लिख करके अपनी मुहर लगाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।